Hi everyone, so today we are going to start our next poem from General English Class 11, that is Mother's Day. So this poem is written by Shiv K. Kumar. So इस poem में जो Shiv K. Kumar है, means जो poet है, वो हमें बताना चाहते हैं कि जो Indian culture के लोग हैं and जो Western culture के लोग हैं, ये Mother's Day को कैसे celebrate करते हैं. So let's start. We do it differently in this dark continent. जो ये dark continent है, means जो Asia है, इसमें हम जो लोग हैं, हम हमारा जो इंडियन कल्चर है, ये मदर्स डे को अलग अलग वे में, डिफरेंट वे में सेलिब्रेट करता है. नॉट जस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार नहीं बल्कि बार बार करते हैं. अ स्ट्रिंग ऑफ सुप्रियस वर्सेस एंड कॉन्स्ट इन अ बुके शेप्ड लाइक अ चाइनीज हाउस ऑफ ड्रीम्स. मीन्स जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, ये एक बुके में, ये एक फूलों का जो गुलदस्ता है, बुके है, उसको लेकर, उसके साथ कुछ कार्ड्स लेकर, ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर, उसमें पोइम्स लिखकर, ठीक है, ये अपने मदर्स को गिफ्ट करते हैं मदर्स डे पर, ठीक है. यहाँ पर जो सुप्रियस है, इसका मतलब होता है फेक, मींस बनावटी, बनावटी लाइंस, फेक लाइंस लिखकर, पोइम्स लिखकर मदर्स डे पर. ये साल में सिर्फ एक बार अपने मदर्स को गिफ्ट करते हैं, पोइम्स रीड कर देते हैं. लेकिन जो इंडियन लोग हैं, ठीक है, जो इंडियन कल्चर है, ये ऐसा नहीं करते. माई मदर इज़ मोर डिमांडिंग. जो मेरी मदर है, जो पोइट है, वो बोल रहा है कि जो मेरी मदर है वो मोर डिमांडिंग है, वो इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं है. मेरी मदर जो है, वो बुके को, कार्ड को, ये गिफ्ट नहीं मांगती, लेकिन वो कुछ और मांगती है. वो मोर डिमांडिंग है, उसको कुछ और चाहिए. एन ऑबिसेंस अ टीच सनराइज. ऑबिसेंस का मतलब होता है एक्ट ऑफ बेंडिंग इन रिस्पेक्ट. लाइक इंडिया में जो हमारे इंडियन कल्चर के जितने भी पीपल हैं, लोग हैं, ठीक है, वो अर्ली मॉर्निंग अपनी मदर्स के, फादर के, सबके पैर छूते हैं, मींस उनको रिस्पेक्ट देते हैं बेंड होकर. तो जो हमारी इंडियन मदर्स है, वो मोर डिमांडिंग है, वो अपने बच्चों से, ठीक है, यही चाहती है कि वो उनको सिर्फ रिस्पेक्ट दें. लाइक अ डिवोटी थ्रोइंग अ हैंडफुल ऑफ येलो राइस टू द बर्ड्स. बिल्कुल वैसे जो हमारे इंडियन मदर्स हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं, जो इंडियन मदर्स हैं, वो अपने बच्चों से सिर्फ यही चाहती है कि वो उनको रिस्पेक्ट दें. बिल्कुल वैसे जैसे एक डिवोटी, मींस जो श्रद्धालु है, भक्त है, ठीक है, वो बर्ड्स को येलो राइस, पूरी मुट्ठी भर की येलो राइस खिलाते हैं, देते हैं उनको, ठीक है, कैसे बेंड होकर, उसी वे में वो उनको रिस्पेक्ट दें, उनके पैर छूकर. होल्डिंग अ कैंडलेब्रम बिफोर एन आइडल. और जैसे कोई भी एक आइडल, जैसे कोई भी गॉड की मूर्ति है, ठीक है, भगवान की मूर्ति, उनके सामने कैंडल, कैंडल होल्डर, कैंडलेब्रम का मतलब होता है कैंडल होल्डर, जिसमें हम कैंडल्स को रखते हैं, ठीक है, उसको एक आइडल के सामने हम कैसे होल्ड कर कर विश मांगते हैं, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल उसी भक्ति से, ठीक है, पूरी भक्ति से, पूरे प्योर माइंड से हम उनकी रिस्पेक्ट करें. जस्ट वंस अ ईयर इज डिससीक्रेटिंग इट. तो अगर जो हम इंडियन कल्चर के लोग हैं, ठीक है, हम तो अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट देते हैं उनके पैर छूकर, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो साल में सिर्फ एक बार जब मदर्स डे आता है, वो तभी अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, मीन्स झूठा, बनावटी से रिस्पेक्ट देते हैं. और अगर हम अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट सिर्फ साल में एक दिन देंगे, तो ये एक बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है. मींस साल में एक बार अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, वो रिस्पेक्ट देना नहीं होता, वो डिसरिस्पेक्ट करना होता है. डिससेक्रेटिंग का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट. व्हेन एवर आई सी अ कैटरपिलर स्लॉन्चिंग. अभी पोइट बोल रहा है कि जब मैं कोई भी कैटरपिलर को देखता हूँ, मीन्स स्लॉन्चिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना. Towards a pansy eye means कोई भी फ्लावर की तरफ धीरे धीरे जाते हुए जब मैं उनको देखता हूँ. और hear ancestral voice in a winds hall. या जब भी कोई भी मैं अपने पूर्वजों, means जो ancestors हैं, उनकी voice, कोई भी जो तेज हवा चल रही है, ठीक है, उसमें सुनता हूँ, ठीक है, तो मुझे means और ही सी फीलिंग आती है, means उसको डर लगता है. आई इन्वॉक माई डिनाइटी. तो तभी वो अपनी जो उनकी गॉडेस है या उनकी मदर है, ठीक है, उनको याद करता हूँ समटाइम्स ट्वाइस अ डे.
कई कई बार ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार भी अपनी मदर को याद करता हूँ। ठीक है, मीन्स इस पूरी पोइम में जो पोइट है शिव के कुमार, ये हमें बताना चाहता है इंडियन और वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में। जो इंडियन कल्चर के लोग हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर्स को रोज़ सुबह मॉर्निंग उनके पैर छूकर, उनको रिस्पेक्ट देकर, अपनी मॉर्निंग उनको रिस्पेक्ट देकर स्टार्ट करते हैं उनके पैर छूकर। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो अपनी मदर्स को सिर्फ साल में एक बार मदर्स डे वाले दिन बुके दे देते हैं, पोइम्स लिखकर, मींस उनको रीड करके सुना देते हैं या लिख के दे देते हैं, कार्ड्स बना देते हैं या ले आते हैं, ठीक है, उनको ये गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन साल में अगर एक बार हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देंगे तो वो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट दे नहीं रहे, मींस उनका अपमान कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो इस पूरी पोएम में यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे बताने का वे कैसा लगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।